السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس وقت جناب ہم ہالینڈ میں ہیں اور ہالینڈ کے شہر اوترخت سے روٹرڈیم کی طرف رواں دواں ہے. ماشاءاللہ قدیر بھائی آئے ہیں. حافظ عدنان سے آئے ماشاءاللہ. قدیر بھائی کیا آپ جانے خیریت سے ہیں؟ حافظ محمد محسن راجہ ہالینڈ جی پاکستان کی کافی یہاں پہ کمیونٹی ہے اور سب سے بڑھ کر مسلم کمیونٹی ماشاء اللہ کافی تعداد میں ہے اور یہاں پہ جب بھی آنا ہوتا ہے تو بہت زبردست پروگرامس ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ. رات دنہاگ میں تھا پروگرام, آج روٹرڈیم میں. کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ آپ سنائیں حضور کیسے ہیں؟ الحمدللہ صحیح ٹھیک ہے ماشاء اللہ. زبردست. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے خاص فضل کے حصار میں رکھے. حافظ صاحب بھی ہیں پیچھے ماشاء اللہ. حافظ صاحب جی ماشاء اللہ کیسا وقت گزارا پیر جی؟ بہت اچھا جی الحمدللہ. زبردست. کل ہی میں پہنچا تھا جی ماشاء اللہ, ایک لمبا سفر کرنے کے بعد. تو جی جنگ میں ہم 10 کی رات کو اکٹھے تھے نا. جی جی. وہاں سے پھر واپسی ہوئی صبح اور رات کی پھر فلائٹ تھی قطر. آیا قطر دوحا سے ہالینڈ پہنچا. جی تو یہ میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست میرے بھائی حافظ عبدالقادر جیلانی قرات و نعت. السلام علیکم حافظ صاحب. سلام کہہ رہے ہیں قدیر بھائی. میں نے چونکہ ہیڈ فون لگایا ہوا ہے تو میری آواز نہیں جا رہی. ٹھیک ہے آپ ان کی نعتیں ڈیفینیٹلی سنتے ہوں گے, گروپ کی صورت میں یہ پڑھتے ہیں سب دوست مل کے. جی 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 بالکل. تو ان کی طرف پھر میں پہنچا کل 3 بجے اور فریش ہو کے پھر ہم محفل میں چلے گئے ماشاء اللہ. اور سب خیر وافیت ہے جی؟ مالک کا کرم ہے, سب خیر ہے, آپ کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ بس آپ کو سلامت رکھے, آپ آباد رہیں, شاد رہیں. آپ کے ساتھ ساتھ تو ماشاء اللہ اور بھی کافی لمبی ایک اب قطار جو ہے نا وہ آ رہی ہے کمنٹس کی. اور جی ضرور ان کو ان کا حصہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, مل رہا ہے, بالکل مل رہا ہے. چلیں اوکے جی, اللہ حافظ. سلام بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو جیلانی بھائی یار کوئی گاڑی چلاتے چلاتے کوئی کلام ہی سنا دیں آپ. او ہو میں تو سنا ہی دوں گا لیکن سنا دیں کوئی حرج نہیں. آنے دیں اس وقت دوست دیکھ رہے ہیں ابھی کچھ اشعار جو ہے نا میرے بھائی جیلانی بھائی کچھ سنائیں گے آپ کو اور یقیناً انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. جی جناب. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. ماشاء اللہ
आँखों की ठंडक जो बला जो बला नामे मोहम्मद सल्ले अला आँखों की ठंडक दिल की जिला माशाल्लाह माशाल्लाह महफिल नात की बात ना पूछो महफिल नात की जाते हैं नामे मोहम्मद सल्ले अला आँखों की ठंडक दिल की जिला माशाल्लाह जब कोई मुश्किल पेश आई है दिल से जाता है नामे मोहम्मद सल्ले अला आँखों की ठंडक दिल की जिला माशाल्लाह 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 बहुत खूबसूरत। हाँ जी जिलानी भाई की नात कैसी लगी जी सबको बताइए। बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं ये बिलाशुबा बिलाशुबा बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। और अभी मैं देख रहा था कि हमारे चनेट से पाकिस्तान की इंतहाई मारूफ नकीब महफिल और शायर डॉक्टर ताहिर अब्बास खिदर खिची साहब वो भी माशाल्लाह देख रहे थे और दुआओं से नवाज रहे थे। सैयद उस्मान शाह साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं जनाब। हफीज़ असलम साहब फरहान ताजी साहब और कश्मीर से भी दोस्त देख रहे हैं दुबई से इस वक्त जनाब अली मीर भाई हमारे देख रहे हैं और अयाज शाह साहब बिलाशुबा जनाब जिलानी भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा। सैफुल्ला मेरा बेटा भी देख रहा है और मुरीद अब्बास आसिफ मंजूर दुबई से माशाल्लाह। चलें अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे सलामत रखे। और वकास सलवी साहब सरगोदा से माशाल्लाह वकास भाई। तो ज़ीशान अली साहब काफ़ी कमर अली मशहदी शाह साहब माशाल्लाह। वालेकुम सलाम जनाब फैसल भाई यूके से मेरे शागिर्द हैं वो भी देख रहे हैं। तैयब कादरी साहब हैं माशाल्लाह इस्लामाबाद से और असद असलम मस्ताना मोहम्मद उमर इनाम अली। इंशाल्लाह जी मैं आपको अभी तो नहीं लेकिन ये कि बस कुछ देर में हम महफिल में पहुंच रहे हैं तो हमारे दोस्त यहाँ
जी कारी खिदर साहब, चूंकि ये जिलानी भाई हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, तो इसलिए तलफ्फुज़ का भरपूर तजवीद के साथ ये ख्याल रखते हुए इस मतलब पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि तजवीद का भी तलफ्फुज़ में बड़ा ख्याल रखा है आपने, तो ये चूंकि बाकायदा हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह, और हर साल मुसल्ला भी सुनाते हैं पिछले कई सालों से, तो मैं बात पता नहीं क्या कर रहा था। बहरहाल अच्छा, हाँ मैं कह रहा था कि रातो नात प्लेटफॉर्म वाले भी आ गए जी, देख रहे हैं माशाल्लाह, एजाज भाई भी देख रहे हैं। तो मैं बात ही कर रहा था जो दोस्त फरमाइशें कर रहे हैं ना कलाम की, कि अभी कलाम सुनाया जाए, तो बस कुछ देर में हम रोटरडेम गौसिया मस्जिद में सैयद सदाकत शाह साहब की तरफ पहुँच रहे हैं। दो अशार सुनो तो कौन से? मेरे आस्था सुनो, अच्छा तो वो तो महफिल में नहीं थी पढ़नी मैंने उनको भी सुनो। अभी। चले चले भाई, जिलानी भाई की भी इन्होंने मेरी फरमाइश पे कलाम सुनाया, अब कह रहे हैं जी कि आप भी सुनाएं। तो मेरे उस्ताद जी का पढ़ा हुआ एक कलाम है, मैं इंशाल्लाह उसके दो शेर सुना देता हूँ। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह वाला अलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। तेरे आस्ता से पहले कोई जवाज़े दो जगह है, तू ही राज़े कुन फ़क़ा है, तू जवाज़े दो जिलानी भाई की फरमाइश थी, जो कि कल भी इन्होंने महफिल में कहा था लेकिन बस किसी वजह से ना पढ़ सका, तो अभी इनकी फरमाइश पूरी हो गई। तो माशाल्लाह इस वक्त काफ़ी दोस्त जो हैं वो लाइव देख रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा
खुश रखे, सलामत रखे। उमर मुस्तफाई, माशाल्लाह। उमर ठीक हो आप? खैरियत से हो? फैसल, हाँ जी फैसल, जजाकल्ला। हारून खान, कामरान अफजल भट्ट, फैसल सुल्तान आवान, और अभी आज की जो महफिल है, अभी इंशाल्लाह कुछ देर में हम जब पहुंचेंगे तो हमारे यहाँ हॉलैंड से जो दोस्त हैं, सोशल मीडिया के इंतहाई मकबूल शख्सियत हैं, वो मीर मुख्तार साहब, तो वो आज की इस महफिल को लाइव करेंगे इंशाल्लाह। तो उसका लिंक जो है वो पेज से शेयर कर दिया जाएगा। तो अभी मैं देख रहा था कि मेरा बेटा हुज़ैफ़ा जो है, सैयद हुज़ैफ़ा मसूद शाह, वो भी देख रहा है, बाबा की बातें सुन रहा है। हुज़ैफ़ा मेरी जान, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, चलें जी, वापसी भाई इंशाल्लाह। मैं उम्मीद है कि 24 को, हाँ 24 को वापस पाकिस्तान पहुंचूंगा। तो सैयद सबीहुद्दीन शाह साहब भी माशाल्लाह देख रहे हैं, और गुलाम मुस्तफ़ा साहब, काफ़ी दोस्त लाइव देख भी रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो अबू बकर साहब हैं जनाब, आबिद हुसैन साहब हैं, वारिस खान आया हमारा बहुत प्यारा बेटा है, हारून रशीद साहब पाकिस्तान के बड़े रावलपिंडी से, फारूक नाथ खान हैं, आपके साहबजादे हैं ये, सैयद महमूद शाह साहब स्विट्ज़रलैंड से सामने आए हैं जी अभी, और फैज़ान शेख साहब हैं, गुलाम दस्तगीर साहब, माशाल्लाह। फैज़ान कैसे हो चंदा, ठीक हो? और आमीन आमीन, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे जी, सेहत वाली और खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। सैयद शाहज़ेब साहब हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ान मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अली रज़ा अंसारी साहब अभी कुछ देर में इंशाल्लाह महफिल में पहुँच के तो वहाँ पढ़ना है। ज़हीर बिलाली साहब माशाल्लाह, मिनहाजुल कुरान के बड़े मारूफ नात खान हैं जनाब ये हमारे। तो ज़हीर भाई जजाकल्ला, राजा इफ्तिखार हुसैन साहब डेनमार्क से। इंशाल्लाह जनाब मैं बस मज़ीद 3-4 दिनों में पहुंच रहा हूँ डेनमार्क, और मुलाकात होती है। तो जजाकल्ला जी, तो चलें जनाब, बहुत शुक्रिया सबका। मुझे असल में 2-3 मैसेजेस आए हुए थे व्हाट्सएप पे कि आप लाइव आइएगा ज़रूर। तो अच्छा, ज़ुबैर भाई दुबई से, ज़ुबैर अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और सबके लिए बहुत सारी दुआएं जी। हाजी नईम साहब ये हमारे दोस्त हैं सऊदीया से, मदीना पाक से, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे जनाब। फिर इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होती है, ठीक है जी। जिलानी भाई, कोई सबके लिए कोई मैसेज या कोई दुआ दे दें सर। अल्लाह सबके लिए एक मुराद दुआएं पूरी फरमाए, आमीन आमीन आप आमीन। सब शाह साहब की भी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, ये तमाम मोहब्बत करने वाले ना सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए, और यहाँ हॉलैंड में मौजूद तमाम हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है सबके लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला सबको हमेशा सलामत रखे। बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में कहीं भी जाना होता है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम की सना के लिए, ये एक प्यार का, मोहब्बत का, अमन का पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके जाते हैं। तो चूँकि हुजूर अलैहिस्सलाम
तमाम आलमीन के लिए रहमत है। इमाम अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा गया। तो हम चूंकि आप अलैहिस्सलाम के नाम लेवा हैं, आप अलैहिस्सलाम के सनाखा हैं, तो मैसेज ऑफ पीस ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 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 कारी शाहिद साहब जनाब इस वक्त हमें देख रहे हैं और आपका मैसेज भी आया है। जनाब कैसे हैं कारी साहब, सब खैर वाफियत है? आपका रात तذکرہ हो रहा था जनाब, मीर मुख्तार साहब भी आपका जिक्र कर रहे थे, राजा हफीज साहब से भी आपका जिक्र खैर हुआ, तो बड़ी नवाजिश जनाब। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये प्यार का, मोहब्बत का, अमन का पैगाम है जो कि ना सिर्फ मैं बल्कि जितने हमारे नातखान दोस्त हैं पाकिस्तान से या कोई कहीं से भी हो, कोई चाहे किसी भी मुल्क से हो, तो ये प्यार मोहब्बत का पैगाम जो है वो हम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में दे रहे हैं इस वक्त। अल्लाह ताला हमारी इन काविशों को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। चलें जज़ाकअल्लाह जी, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, ठीक है जनाब? अल्लाह मुहाफिज, सब दुआ में याद रखिएगा, मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, ठीक है जी? अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।